बोलने से भी रोकेगा। अगर आप दिन में ये चीज ध्यान में ले आते हैं कि कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, तो बहुत से अपराध धीरे धीरे कम होने शुरू करे होंगे और आप उसको विश्वास रखेंगे तो आपका सब कार्य अच्छा होगा। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो सपना है, आपका जो भविष्य है, वो आप पूरा कर पाएंगे और बिना किसी तनाव के। ठीक है, चलिए तो अभी आप सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म योगी अभ्यास करने से सबसे पहले हमारे देवा गले का आता है। आप सभी फिजियोथेरेपिस्ट के डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो आप शरीर की एनाटॉमी से तो आप अच्छे तरीके से तो परिचित होंगे, शायद मुझसे ज़्यादा। मसल्स है, मस्कुलर सिस्टम है, अपना आपका जो भी सेटर सिस्टम है, जो भी मॉडलाइजेशन सिस्टम है, तो उसको तो मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो गले से हम शुरुआत करेंगे। सिंपल हमने केवल क्या करना है, अभी योग में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ बताया गया है। अभी योग को सब सोचते हैं कि डॉक्टर पास है, इतना हमसे इतना बैकवर्डिंग नहीं हो रहा है, बैलेंसिंग नहीं हो रहा है, तो उससे बचना नहीं है। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ योग भी दिया गया है। तो जो आप पूरा प्रॉपर आसनों के लिए समय नहीं निकल पा रहा है, तो आप सूक्ष्म अभ्यास अपने जीवन में बना सकते हैं। तो हम गले से शुरुआत करते हैं। जो भी शरीर का सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, तो शरीर हमारे छोटे छोटे सेल्स से, छोटे छोटे टिश्यू से बना है। शरीर के जो छोटे छोटे अवयव हैं या छोटा छोटा जो पार्ट है, वो क्या है, हमारे जॉइंट्स है। तो जॉइंट्स को की मोबिलिटी बढ़े, वहाँ की फ्लेक्सीबिलिटी बढ़े, वहाँ पे रक्त का संचार हो, प्राण का संचार हो। आप सभी को मालूम है कि जहाँ जहाँ ब्लड पहुँचेगा शरीर में, वहाँ वहाँ ऑक्सीजन पहुँचेगी। जहाँ ब्लड नहीं पहुँच रहा, रक्त नहीं पहुँचा, तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँची। वो चीज़ नहीं पहुँच रही है तो उसका मतलब बॉडी का वो पार्ट आपका जाम हो गया है या वहाँ पर कुछ ना कुछ रोग बनने शुरू हो रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट से हम गर्दन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने ट्विस्ट करना है, ऐसे करते हुए सेंटर में है तो आपने इंडेट करना है और ऐसे करते हुए सभी अपने लेफ्ट साइड नेक को घुमा कर लेके जाए, अपनी लेफ्ट साइड कमर एकदम सीधी रखिए और अपनी आई और से भी पीछे की तरफ देखना है। योग करते हैं तो योग का मतलब आपने अपने श्वासों को और मन को वहीं छोड़ के रखना है। मन कहीं और लेके जाएंगे, श्वासों की गति पर ध्यान नहीं होगा, तो वो सिंपल एक एक्सरसाइज होगी या पूरे दिन जो हमारी गर्दन की मूवमेंट होगी वो। लेकिन हम योग में बैठ के कर रहे हैं तो आपने मन और प्राण यानी कि श्वास प्रश्वास की गति को आपने वहीं पर जोड़ के रखना है। सेंटर में है तो इन्हेल और एक्सहेल करते हुए आपने राइट साइड अपनी आई बोल से भी आपने पीछे की तरफ भी देखना है और आपने एक्सहेल किया है। इन्हेल करते हुए सेंटर में, एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट, सभी लेफ्ट साइड देखें ताकि फोटो में सबका एक जैसा दिखना चाहिए, वो फोटो खराब हो जाएगी उन लोगों की, फोटो कोई नहीं चाहता किसी का खराब हो। और स्माइल करते हुए सेंटर में है, एक फोटो आपके सामने की हो जाएगी, स्माइल बने रहनी चाहिए। आपकी चेहरे की जो भाव भंगिमाएं हैं उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपको बोरियत बोरियत कैसा लग रहा है, तो मैं चाहूंगी आप स्माइल बना के रखें। सेंटर में ले आएंगे गर्दन को, अभी इन्हेल करते हुए आपने अपनी गर्दन को पीछे लेके जाना है और पीछे की तरफ देखने की कोशिश करनी है। आई बोल से जिनको डबल चिन है वो चाहे तो नीचे वाला लिप्स अपर लिप्स पर कर सकते हैं और आई बोल से प्रॉपर पीछे देखने की कोशिश। एंड एक्सहेल करते हुए चिन को लॉक करेंगे अपनी कॉलर बोन से, ऐसे गर्दन को लटकाएंगे नहीं, ऐसे ढीला नहीं छोड़ेंगे। स्पाइन अपने नेक को स्ट्रेट रखना, बस आपने चिन को ऐसे लॉक करेंगे और आई बोन से नीचे देखने की कोशिश सेंटर में आए। अभी सिंपल हम इसको नेक मूवमेंट करके करते हैं, लेकिन आप देखेंगे जब आप इसको स्माइल के साथ करते हैं तो आपके फेस मसल्स की एक्सरसाइज होती है और जब आप आंखों की मूवमेंट ऐसे देते हैं तो आंखों की भी के साथ होती है और जब आप स्माइल के साथ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो आप कोई फायदा दे रहा है पड़ोसी को नहीं दे रहा है, अपने खुद के लिए करें। आप 45 मिनट के लिए जुड़े हैं तो 5 मिनट 10 मिनट खुद को ही देना, खुद के लिए फ्री के हैं। आने वाले 4 घंटे के लिए डॉक्टर्स की दी हुई छोटी सी टैबलेट 4 घंटे के लिए शरीर को ठीक कर देती है। तो ये छोटा सा ही मूवमेंट आपके आने वाले 4 घंटे के लिए आपके मन और शरीर बुद्धि तीनों को तैयार करता है। छोटी सी टैबलेट केवल बॉडी को तैयार करेगी, लेकिन एक योग ऐसा माध्यम है जो आपके मन को भी, बुद्धि को भी और शरीर को भी तीनों को ठीक करेगा। ठीक है, चलिए अभी हम रोटेशन करेंगे, लेकिन रोटेशन ऐसा नहीं करना कि मानो सिर आ गई हो, इसको ऑल्टरनेटिंग करेंगे। सेंटर में रखिए, श्वास प्रश्वास के साथ करेंगे। आप पहले मुझे देखें फिर आपने करना है। ऐसे चिंकू लॉक किया, यहाँ से राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। इनहेल करते हुए आपकी गर्दन बैक जानी चाहिए, एक्सहेल करते हुए डाउन। एक ही तरफ में 5-6 राउंड नहीं लगाना है। अक्सर आपने लोगों को ऐसा करते हुए देखा होगा, वैसा नहीं करना है।
क्लास सेंटर में। तो ये हमने नेकिंग मूवमेंट करी है। अभी नेक्स्ट सिर्फ आपने अपने कान को शोल्डर से अपने कंधे से टच कराना है, कंधे को लाने की कोशिश नहीं करनी है। आपने देखा होगा मोस्टली जब हम ये साइड वाले मूवमेंट करते हैं तो ऐसे ले आते हैं, ये नहीं करना। कान को कंधा नीचे लिए, कंधे को पास चाहिए, ये ध्यान रखिए। आपको सेंटर में रहें और धीरे धीरे नेक को आप साइड में बेंड करें और अपने कान को शोल्डर से टच कराने की कोशिश करें। जिनका कंधा उठता है उसको ढीला छोड़ें, ड्रॉप कर देते हैं शोल्डर को, सेंटर में लाएं, इनहेल एंड एक्सहेल बिल्कुल लूज छोड़ते हुए, बिल्कुल हैंग कर देंगे कंधे को। ठीक है, एक बार फिर से करेंगे। सबकी गर्दन दाएं बाएं हो गई है, साइड में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड स्माइल। ओके, अभी आप ये दोनों हाथों को पीछे की तरफ लॉक करेंगे, इस तरीके से इंटरलॉक कर लेना है। जस्ट को अच्छे से रेकमेंड करेंगे, इन्हें किया और सामने देखते हुए और स्माइल के साथ आप आगे की तरफ आए। हाथों को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से ऊपर उठाएं। वहीं बने रहें, देखें कितने लोगों के हाथ ऊपर उठे हैं, कितनों के काफ़ी लोगों से ऊपर आए हैं। वाकई में आपकी जो थेरेपी के बेस्ट डॉक्टर हैं। अब आप यहीं से वापस आ सकते हैं। जिन लोगों के हाथ ऊपर नहीं उठ पाए तो बॉडी उनकी अभी जाम है, ठीक है। तो फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हैं आप, बाहर शरीर और बॉडी स्टिक नहीं करनी है अपनी, ठीक है। यहीं से आपने दोनों हाथ लेंगे, अपनी पीठ के सेंटर में पीछे की तरफ दिखाएं और नी की सपोर्ट करते हुए बैक बेंडिंग करें। हमने प्रॉपर बेंडिंग करी, इसका तुरंत आपने बैक बेंडिंग कर लेना है। दोनों हाथ लेंगे पीछे टिकाते हुए, नी के सपोर्ट से आपने बैक बेंडिंग करनी है। हाँ, वेरी गुड। नी की सपोर्ट से अच्छे से बैक बेंडिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 सेंटर में आ जाए, नहीं हो पाई आपसे बैक बेंडिंग, चलिए फिर ट्विस्टिंग करा लेते हैं। ट्विस्टिंग कराएं, हमारी बॉडी की ट्विस्टिंग कितनी जरूरी है। ट्विस्ट हो ही नहीं पाते, आपका मूड खराब है, डिप्रेशन में है, टेंशन में, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ा तो मैं किसी से बोलने का मन नहीं रहा, तो मैं ऐसे बॉडी कैसे बन बस में मैं बस अंदर घुस गई चली मान का you।
शरीर का पूरा
अपना हाथ अपने राइट साइड, अपने पंजे के राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, सेंटर में बिल्कुल शांत स्थिर खड़े हो जाएंगे और महसूस करें दोनों सोल्स के बिल्कुल सेंटर में, आपके तलवों के बिल्कुल मध्य में शरीर का भार, ना एड़ियों की तरफ, ना पंजे की तरफ, ना लेफ्ट ना राइट, शरीर का पूरा भार बिल्कुल मध्य में। बैलेंस बैलेंस, कितने लोगों का भी शरीर दिख रहा है उसको बैलेंस करने की कोशिश करें, संतुलित करने की कोशिश करें, महसूस करें आपके शरीर का भार पंजों के बिल्कुल मध्य में। धीरे से आंखें खोलें। कितने लोगों का इस दौरान जो भी मैंने कहा, दूसरा तो क्या फायदा था इस टेक्निक का, आपने अपने शरीर का भार अपने खुद के शरीर पे धारण किया, एक जगह स्थिर रह गए, आपने कोशिश करी नर्वों के बिल्कुल सेंटर में शरीर के वजन को ठहराने का। पूरा दिन में हम अलग अलग पोस्चर में खड़े होते हैं, कभी दाएं कभी बाएं कभी ऐसे करके वैसे करके, तो दिन में एक बार इस तरीके से आपने जरूर खड़ा होना चाहिए। ये आपके ब्रेन का जो आपका हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपकी पिनियल ग्लैंड से वो स्टिमुलेट होती है, आपका दाया मस्तिष्क बाया मस्तिष्क वो भी एक्टिव होता है। ठीक है, हमारा दाएं का भाग ज्यादा एक्टिव रहता है, दिन का सीधा भाग होता है, तो हर बार दाया पैर आगे रखना है, दाया हाथ से ही काम करना, तो जब हम इस तरीके की मूवमेंट करते हैं वो बैलेंस होता है। जो जो ये आसनों का अभ्यास है, ये योग का तीसरा स्टेप है, उससे पहले तो यम नियम है, तो कोई फॉलो कर ही नहीं पाता तो सीधी लांग के आसन पे आ जाते हैं, तो ये हठ योग से लिया गया है। और ये क्या करता है, हमारी चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी, जो आपकी लेफ्ट मोस्ट होती है ये चंद्र नाड़ी कहलाती है, और जो राइट होती है ये आपकी सूर्य नाड़ी। दिन के वक्त हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव रहनी चाहिए, रात के वक्त हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव रहनी चाहिए। आप नोटिस करना जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती उनकी सूर्य नाड़ी एक्टिव रही हो। तो ये आसन क्या करते हैं, हमारी दोनों नाड़ियों को बैलेंस करते हैं, संतुलित करते हैं, ताकि जैसे मन को श्वास प्रश्वास लेने की प्रक्रिया है वो बैलेंसिंग गेम हो। आप कभी भी चेक करना आपका पेट खराब हो, आपको कहीं बॉडी में पेन हो, आप देखना आपका राइट मोशन कैसे होगा, आप खुद से चेक कर सकते हैं कि बॉडी में ये अनइजीनेस क्यों आई, आप देखें आपका कौन सा स्वर एक्टिव हो रहा है, तो वो प्राणायाम में आता है। आगे कभी मौका मिलेगा तो उसका भी आपको तरीका बताएं कि कैसे हम खुद से योग के माध्यम से आसन प्राणायाम से अपने आप को फिट रख सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। चलिए अभी इसी दिन हम एक ताड़ आसन, आपने सभी सुना होगा ताड़ के समान शरीर की आकृति वो हम करेंगे, इसमें पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग होती है। इसके लिए पहले मैं आप लोगों का तरीका दे दूँ, शायद आप लोगों ने किया भी होगा, सब लोग ताड़ आसन करके दिखाएंगे फिर मैं आपको बता दूँ। तो देखो सब लोग करते आए हैं, आप लोगों को मालूम है कि ताड़ आसन आसनों के नाम से तो परिचित है, योग किसी न किसी रूप में आपके जीवन से जरूर जुड़ा रहा है, इसीलिए ये आपकी मेमोरी भी बना रहा। चलिए अभी आप मेरे तरीके से करेंगे, दोनों हाथ कंधे के समांतर लें, शोल्डर लेवल तक अपने हाथों को ले आए, वेरी गुड, बाजू वाले को जगह दे दो। देखो अभी दोनों को देंगे आसान की तरफ, स्टेप बाय स्टेप रूल नंबर टू, आप आगे आ जाओ नहीं टच कर पा रहे हो, यहाँ से दोनों हाथ आप ऊपर ले जाएं, मिलाने नहीं है अभी, ठीक है। अभी आपने दोनों हाथों की व्यू आपस में इंटरलॉक किया, एक दूसरे को आपस में फंसाओ, हथेली आसमान की तरफ बंद करें और अपने हिप रीजन की मसल्स को आपने एंगेज करना है, कोर मसल्स को एंगेज करें, बटेक्स की जो आपकी ये ग्लूटस मसल्स हैं उनको आप एंगेज कर लेंगे। उसके बाद किसी भी एक बिंदु पर, बिंदु नहीं दिख रहा है कहाँ से लाओ, तो आप अपनी नोज के टॉप पे या बटुटी के मध्य फोकस करें, लेकिन एक बिंदु पर फोकस करना है ताकि आप इस आसन में ठहर सकें, कंपन ना हो बॉडी में, वाइब्रेशन ना हो, ठहरे दें, बैलेंस नहीं बन पाया, आपने बिंदु पर देखना है। कोई भी आप ऑब्जेक्ट चुनें, कहीं पर भी आप ए के टॉप को देखें, प्लस के स्केल साइन को देखें, नहीं किसी वस्तु को देखना है तो आप अपनी नोज के टॉप पर देखें और होल्ड करें, हिप रीजन की मसल्स एंगेज रहनी चाहिए, शरीर को ठहराने का प्रयास करें। जिनका मन चंचल होगा उनका शरीर नहीं ठहर पाएगा, जिनका अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं है, जो अपनी बातों पर ठहरते नहीं है, बार बार विचार बदलते रहते हैं, एक काम को करके पूरा ना करके बीच में छोड़ देते हैं, तो अपना काम
वापस आ, लेकिन ऐसे ही वापस नहीं आना है। योग है तो जैसे गए थे वैसे ही, योग तो जर्नी हो रहा है, यात्रा हो रहा है। तो हम कैसे गए थे, हिल आपने सबसे बाद में उठाई थी, नोटिस करना, हिल में कई बार कर सकते हो शासन को, हमने हिल सबसे बाद में उठाई थी, कुछ लोगों ने सबसे पहले नीचे रखी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले आप अपने हाथों को खोलें, जैसे लेके गए थे हाथों को नीचे लाएं, हिल सबसे बाद में नीचे, ठीक है। चलिए अभी आप लोग करेंगे फिर से एक बार, वन पहला स्टेप, टू थ्री फोर, एंगेज किया बॉडी को पूरी कोर मसल्स को एंगेज करें, कभी जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, थ्री सबसे बाद, तो ये ताड़ासन है, ठीक है। चलिए स्टैंड पूरा बॉडी को आपने खींचा सिंपल, अब हम इसी में स्टैंडिंग पोजिशन में फॉरवर्ड बेंडिंग और बैक बेंडिंग करेंगे ताकि स्ट्रेचिंग भी हो। आपने हाथों को इस तरीके से लॉक कर लेना है, सम अवस्था में ही खड़े होकर करना है, बिल्कुल भी पैर के बीच में आपने गड़बड़ नहीं करनी है। थोड़ा सा आपने नी को होल्ड करेंगे, ऐसे चेयर पोज बनाएंगे और ऐसे ही लगते हुए आप ऐसे आगे की तरफ झुके, हाथ ऊपर उठाने की कोशिश कर ली है इसमें भी आपने, हाँ हाथों को ऊपर उठाने की कोशिश, चेयर पोज, इसको शहा मृदासन बोलते हैं, शहा मृद। वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, कम बैक और यहीं से हथेलियां पीठ पर ऐसे रखिए और बैक बेंडिंग करें, खींचे की तरफ झुके सांस लेते हुए जाएं, घुटने फोल्ड नहीं करने हैं, नी को फोल्ड नहीं करना है, कम बैक, फिर से आए, फिर से हाथों को लॉक किया, समावस्था में आप हैं, उत्कटासन या चेयर पोज बनाई, तो सामने देखते हुए आप ऐसे हाथ झुके, हाथों का भी खिंचाव हो रहा है, फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही है, पेट का दबाव हो रहा है, धीरे से वापस आए, बैक बेंडिंग करनी है, हथेलियां खुली हो, ठीक है, मजा आया। अभी हमने सेटिंग में फॉरवर्ड बेंडिंग बैक बेंडिंग सब किया, अभी हम स्टैंडिंग में करेंगे, हमने क्या करना है, इस तरीके से आप एक हाथ अपना राइट हथेलिया अपने लेफ्ट शोल्डर पर रख के फिर से दावा की देंगे, बैलेंस नहीं बन पा रहे, इसलिए आप अपनी दृष्टि अपनी निगाह अपनी नजरें
यूथ डे।